हेलो मैन, लेट डिस्कस यूपीपीसीएस प्रीलिम 2021 सॉल्यूशन। ये हम पेपर वन का सेट बी को डिस्कस करेंगे। जनरल स्टडीज़ के पेपर वन में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, और ये एग्जाम 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, सेट बी का पहला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। जो भारतीय नदी जो है, भारतीय गंगा नदी, उसके बेसिन का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? ए ऑप्शन है पुनपुन नदी, अजोय रिवर, जालांगी रिवर और जोंक रिवर। देखो, जो पुनपुन नदी है ये आपका बिहार में फ्लो करती है। पुनपुन रिवर इज ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी, इट ऑरिजिन और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिनेट होती है, और ये छत्र, औरंगाबाद, गया, पटना, इन जिलों में एक तरह से मेनली झारखंड और बिहार में फ्लो करती है। तो पुनपुन तो इसका हिस्सा है। और जो अजोय रिवर है, अजोय रिवर ये दामोदर की सहायक नदी है, भागीरथी में, भागीरथी से निकलती है, तो ये भी गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा है। और जो जालांगी रिवर है, ये जालांगी रिवर भी मुर्शिदाबाद और नादिया डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। नादिया, मुर्शिदाबाद और नादिया डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ये भी गंगा की एक ब्रांच है। और जो जोंक रिवर है, जोंक रिवर ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होता, और ये तीनों इसकी तीनों इसके गंगा रिवर बेसन के पार्ट हैं। जोंक रिवर पार्ट नहीं, जोंक रिवर महानदी बेसन का पार्ट है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था, थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। देखो, ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई 2021 को, 15 जुलाई डिक्लेयर्ड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे थ्रू ए रेजोल्यूशन बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दिसंबर 2014 में, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया था। और इसकी इस बार की थीम थी री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सी लोग करेक्ट मैच नहीं है? इसमें कुछ स्थानीय पवनों के नाम दिए थे और वो किस प्लेसेस में बहती हैं, ये पूछा था। जैसे हम बोल रहे हैं लेवेसे, लेवेसे स्पेन की, स्पेन में फ्लो होती है, बिल्कुल सही। लेवेसे इज द नेम ऑफ वार्म साउथ वेस्ट विंड इन पार्ट्स ऑफ कोस्टल मेडिटेरियन स्पेन में। ये मेडिटेरियन के आसपास 7-8 पवन हैं, जैसे सिरोको, खमसेन, इस तरह की पवन हैं, तो लेवेचे उनमें से एक है, ये स्पेन में फ्लो करती है। जो ब्रिक फील्डर है ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ का राष्ट्र पशु कंगारू है। अच्छा, और ये ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका में फ्लो होती है, ये भी करेक्ट है। ब्लैक रोलर दीज आज वार्म एंड ड्राई डस्टी विंड्स ब्लोइंग इन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में फ्लो होती है, ये भी करेक्ट है। इसी तरह की एक सिमूम है, सिमूम जो है वार्म एंड ड्राई विंड है जो अरेबियन डेजर्ट में फ्लो करती है, और ये इतनी तेज़ आंधी होती है कि इनसे विजिबिलिटी भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, एक सिमूम है। अच्छा, अब इसमें से तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका सामल होगा, ये सामल ऑस्ट्रिया में नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो सामल पवन है ना, ये सामल इराक और पर्शियन गल्फ कंट्रीज के में फ्लो करती हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इसमें यही एक मैच नहीं है। जो ब्रिक फील्डर है ये हॉट एंड ड्राई विंड है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी ऑप्शन इसमें करेक्ट मैच हो रहे हैं। और बाकी हम पवनों के बारे में देखें तो देखो, इधर नॉर्थ अमेरिका में यहाँ चिनूक फ्लो होती है, यहाँ नॉर्दर नॉर्टे, फिर यहाँ पेम्पेरो साउथ अमेरिका में, इधर यहाँ बुरान, काराबुरान, बर्ग, इधर मिस्र में, इजिप्ट में खमसेन, सिरोकू, फोन, लेवेंट, बोरा, हेल्म, और ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ब्रिक फील्डर और साउथ अर्ली, ये सब फ्लो होती हैं। जो सामल है वो नॉर्थ वेस्ट विंड है जो इराक और पर्शियन गल्फ स्टेट के ऊपर फ्लो करती है, यहाँ तक कि ये सऊदी अरेबिया और कुवैत में, जो सामल है जिसका डी ऑप्शन था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो वस्तु एवं सेवा कर है उसको, उसके नियमों को कार्यान्वयन करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो आपका 101 था, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिस जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए 122nd अमेंडमेंट बिल। ये 122वां संशोधन बिल था और ये जब पारित हुआ तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। और जो 102वां है, 102वां जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, वो 102 है। और जो 103 है, 103 है कि 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को देना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी को। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 15 और 16 को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं उनको संशोधित किया गया है, 15(6) क्लॉज जोड़ा गया है। और जो 104वां है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो लोकसभा में, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त किया गया और SC और ST के लिए रिजर्वेशन को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो इफेक्ट में आया था 25 जनवरी 2020 से। और 104वें अमेंडमेंट ने जो अमेंड किया है वो आर्टिकल 334 को अमेंड किया है। तो ये थे सारे अमेंडमेंट्स के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पहला रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून की वापसी। दूसरा साइक्लोनिक डिप्रेशन, चक्रवाती आपदा। तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और साउथ वेस्टर्न मानसून। तो ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से उठते हैं और भारत के विंटर्स में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए बेहद उपयोगी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज स्पेशली द वंस इन विंटर ब्रिंग मॉडरेट टू हैवी रेन इन लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नो टू माउंटेन एरियाज एंड दे आर द कॉज ऑफ मोस्ट विंटर एंड प्री मानसून सीजन रेनफॉल अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होता कमेटी का जो गठन था वो कब किया गया था? इन विच ईयर PC होता कमेटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म कंस्टिट्यूटेड। जो PC मेहता कमेटी थी ये 2004 फरवरी 2004 में बनी थी और 6 महीने के अंदर ही इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन February 2004 होता वाज अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। ही सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन 6 मंथ। ये हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन था इसका बी ऑप्शन करेक्ट था, 2004। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 एस्टीमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, डी। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे बिहार, फिर चौथे वेस्ट बंगाल और पाँचवें पर मध्य प्रदेश आता है। ये अदर स्टेट हैं। तो UP सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला राज्य, यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसके बाद दूसरे नंबर पर है। अगर क्षेत्र देश की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन February 2021 नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्न से किस राष्ट्र से संबंधित है? डायरेक्टर जनरल बनी है ये WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किस देश से बिलोंग करती हैं? ये आपका नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म जो 1954 में नाइजीरिया में हुआ था और ये अभी इस समय ये विश्व की 100 प्रतिष्ठित महिलाओं की सूची में भी रह चुकी हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडी की लिस्ट में। और ये अभी इस समय वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, डायरेक्टर जनरल हैं अभी इस समय। अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि फ्लाई एस पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, जो फ्लाई एस प्रदूषण है वो किससे होता है? ये थर्मल पावर प्लांट से होता है। फ्लाई एस इज द बाई प्रोडक्ट जनरेटेड एस कोल इज बर्न्ड एट थर्मल पावर प्लांट, जैसे कोल बनता है उससे निकलता है और इसका जो मैक्सिमम उपयोग होता है सीमेंट बनाने के रूप में फ्लाई एस का प्रयोग होता है, बाकी ये एक तरह से पॉल्यूटेंट ही है। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, काला सागर के किनारे कौन सा देश स्थित नहीं है? यदि काला सागर के सागर में बात करें तो रसिया स्थित है इधर और तुर्की इधर है, यानी बी तो है,
और जॉर्जिया, जॉर्जिया आपका यहाँ है, जॉर्जिया भी है, और ये आपका यहाँ बुल्गारिया भी है, रोमानिया भी है, ये भी है, तो सीरिया इसके किनारे पर नहीं है। इसको गुर्रबट से याद रखते हैं, मतलब जॉर्जिया भी है, यूक्रेन भी है, रसिया भी है, तुर्की भी है और बुल्गारिया भी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स गिवन बिलो। पहला ऑप्शन था कि सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल सही है, सुकुमार सेन आपका 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के प्रथम ये इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, निर्वाचन आयुक्त। अच्छा, दूसरा, रमा देवी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये ओवरऑल 9वीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी और वुमेन्स में पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, ये भी सही है। देखो, VS रमा देवी वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द, ये कर्नाटक की 13वीं राज्यपाल बनी थी और 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये रही थी, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। एंड सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 का निम्न से कौन सा विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, मोस्ट पीसफुल रीजन। देखो, मोस्ट पीसफुल रीजन में अब ये इन्होंने ये स्केल दिया है, ये है भाई दी स्टेट ऑफ पीस, तो इसमें ये इस टाइप का जो रंग है, फिर ये येलो रंग बीच वाला है, फिर रेड वहाँ मतलब स्थिति बहुत ख़राब है, और वाइट, तो मतलब वाइट में कोई सफिशेंट डेटा नहीं है। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो ये रीजन बनता है ये मोस्ट पीसफुल रीजन है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया भी पीसफुल है, लेकिन है क्या, जो टाइप 5 सबसे पीसफुल कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहले तो आइसलैंड, जो पिछले 4-5 साल से रैंक वन है, आइसलैंड, फिर एक न्यूजीलैंड इधर से बनाया ऑस्ट्रेलिया साइड से, यहाँ से न्यूजीलैंड, अदरवाइज पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये सब यूरोप के कंट्रीज हैं, मतलब टॉप 5 में से 4 कंट्रीज तो यूरोप के ही हैं, तो इसीलिए इसमें जो सबसे पीसफुल है ये बी ऑप्शन यूरोप इसका आंसर होना चाहिए, यूरोप रीजन सबसे पीसफुल है। अब जैसे देखो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका तो पीसफुल होगा नहीं, ये नहीं है, ये साउथ अमेरिका भी पीसफुल नहीं है, तो फिर क्या, यूरोप ही बनता है एक। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये प्लेस दिए हुए हैं और जनजातियाँ दी हुई हैं, जैसे कोरियाक जनजाति, ये कोरिया जनजाति अलास्का में मिलती है, ये कोरिया जनजाति कामचाटका के पास में मिलती है, कामचाटका कराई में। कोरिया का इंडिजिनियस पीपल ऑफ द रशियन फार ईस्ट हु लिव इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ कामचाटका पेनिनसुला इन कामचाटका कराई एंड इनहेबिटेड द कोस्टल्स ऑफ बेरिंग सी, बेरिंग सी अलास्का, उसी रीजन में मिलते हैं, तो पहला तो ठीक है, सही मैच है। अगर आप इसको देखें, अरब डेजर्ट में रुबाला, रुबाला अरब डेजर्ट में मिलते हैं, और ये आजकल जॉर्डन में मिलते हैं, रुबाला, रुबा वाला उत्तरी अरब और सीरे रेगिस्तान की बड़ी अरब जनजाति है जिसमें आधे जॉर्डन शामिल है, और जो लैप्स हैं, लैप्स इनको सैमीज भी बोलते हैं, ये मेनली फिनलैंड में रहते हैं, तो फिनलैंड स्वीडन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा ना, यही एक मैच नहीं हो रहा है, बोर्नियो पूनन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो कार्बन क्रेडिट है ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल में से आया था, क्योटो एक जापान में है। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इमर्ज ड्यूरिंग द क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट दैट अलाउज द कंपनी दैट होल्ड्स इट टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस, 1 क्रेडिट परमिट्स द एमिशन ऑफ ए मास इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये आपका थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल से ओरिजिनेट हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो पहला वित्त आयोग है आपका, ये 1951 में नो वो किया गया था अपॉइंट, ये 1952 से 57 तक प्रेसिडेंट इंडिया ने अपॉइंट किया था, और उसके जो चेयरमैन थे वो के सी नियोगी थे, तो के सी नियोगी पहले चेयरमैन थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो दूसरे थे श्री शांथानम, फिर तीसरे थे डॉक्टर राजकुमार, शायद AK चंद्रा या राजकुमार, ये तीसरे और चौथे तो हैं, तो सभी ये तीसरे और चौथे हैं, ये चेयरमैन थे पहले। और अभी जो
फाइनेंस कमीशन चल रहा है, वो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इससे पहले 14वां फाइनेंस कमीशन था जिसके वाई वी रेड्डी थे चेयरमैन, अभी 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो एन के सिंह हैं। एन के सिंह ये नंद किशोर सिंह, और इनके साथ अदर जो फुल टाइम मेंबर हैं वो अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह हैं। तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और पहले वित्त आयोग के चेयरमैन के सी नियोगी थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। तो हमने अभी ये 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू।